हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का सुबह सुबह हालत देखो, अभी नींद से उठ के आई है ये। गुड मॉर्निंग आलिया। अरे अभी इसका हम फेस धोएंगे, हाथ धोएंगे, इसके बाल बनाएंगे, इसके बाद आप लोगों के साथ मिलाती तो हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं कई दिन पहले आई थी मैच के लिए, और मैच खेल भी लिया, हमने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेल लिया, और जिसमें मेरा गोल आया है, मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। तो अभी मेरे को जाना है वापस अभी कुछ दिनों में, और मैं बीमार पड़ गई यार। यू नो माई टॉन्सिल कभी भी किसी वक्त कहीं पे भी आ जाता है, अचानक से फिर से टॉन्सिल्स हो गए, जिस वजह से 2 दिन तक मैं सोई पड़ी रही। अभी आज मैं थोड़ा फ्रेशली उठी हूँ, तो मैं सोच रही थी आज वीडियो बना लूँ, तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये वीडियो। और पहले हम लोग आलिया को अच्छे से फ्रेशन अप करके उसके साथ वो करेंगे, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने अकेले नहीं किया था, इसलिए एक्चुअली माई ब्रेकफास्ट भी लाइक चाय, नमकीन चाय जिसमें मैंने रोटी डाली है, और ये राजमा दाल है, और ये घर की ये रोटी है जो कि मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। कितना अच्छा है, देखो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी है। तो आई मिस दिस टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट इन दिल्ली। ऐसे दाल भी नहीं होता वहाँ पे, दाल कितना अच्छा बनता है घर पे। मज़ा आ गया, और दुख हो रहा है कि मैं जा रही हूँ बहुत जल्द वापस। का छोटा सा बैग है, बैग जैसे कि इस रूम की आप हालत देख सकते हैं, कितना गंदा कर रखा हुआ है, मींस हो रखा हुआ है, कर नहीं रखा हुआ है। आलिया होते ना, बच्चे होते जब घर पे, तो ऐसे गंदगी रहती है। तो हम पहले इस रूम को साफ करेंगे। एक्चुअली इट्स नॉट अ रूम, इट्स किचन। मैंने पापा का पुराना सा जैकेट था उनका ऐसे ही, तो वो पहन रखा है अभी। अब मैं अपना फेस धोऊंगी, उसके बाद मिलते हैं। पहले तो मैंने रात को ग्लाइसरीन लगा के सोई थी मैं, क्योंकि पता है जब से यहाँ आई हूँ ना, ये मेरा नोज़ का एरिया जो ठंड से ये पता नहीं वैसे क्या बोलते हैं उसे, बहुत ही ड्राई हो गया था और बहुत ही ख़राब हो गया मेरे फेस का हालत, जैसे आप देख सकती हैं। तो मैं फेस धोती हूँ, फिर उसके बाद फिर से कोई मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी कि ये ठीक हो जाए। पहले रात को ग्लाइसरीन लगाया था, उसको साफ करना, इट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। बहुत ही ज्यादा ठंडा था पानी, बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है आइसिंग करी हो मैंने फेस पे। यू ऑल गाइस जस्ट इग्नोर माय जैकेट। हाँ देख सकते, नाक का इरा कैसा हाल खराब रखा है। फिर भी काफी ठीक हो गया है, पिछले 2 दिनों से तो बहुत हालत खराब हो रखी थी। अभी फिर से हम थोड़ा सा मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना फेस बहुत ड्राई हो चुका है। लुकिंग ब्यूटिफुल, बस दिस शीशा इज नॉट ब्यूटिफुल, बहुत गंदा हो रखा है।
मॉइस्चराइजर लगा लिया है। वो दिन भी क्या दिन थे। हाँ आई मिस दोज डेज। थोड़ी देर मुझे ब्रेक दे दो। आई एम गोइंग टू वॉच बिग बॉस। कल अर्चना ने शायद अर्चना को आज इवेक्ट कर रहे हैं। मुझे आज वो देखना है, वो वाला एपिसोड कल रात वाला। थोड़ी देर बाद मिलते हैं जी। मैं तैयार होके जा रही हूँ। राबिया के यहाँ जाना है कुछ काम से। उसके घर पे मेरा कुछ सामान है रखना, वहीं पे है। मीन्स अब फिर से उसे बरू लाऊंगी, लेके जाना है। एक लगेज है तो उसको लेके जाना है, तो मैं सोच रही हूँ। लेकिन उसमें से कुछ सामान निकालना है, मेरे को चाहिए था। तो मैं राबिया के यहाँ जा रही हूँ अभी। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं आलिया को तैयार करके ये करूंगी, आलिया मानी ही नहीं पहले। यहाँ देख आलिया मानी नहीं। मैंने उसको बहुत मनाया। होते ना छोटे बच्चे तंग करने वाले, जिद्दी, वैसी है मेरी आलिया। बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी और गुस्सैल भी है। उसको बहुत बार मैंने मनाया, चॉकलेट दिया, मैं बाल बनाऊंगी तेरा सब बोला, फिर भी नहीं मानी वो। मैं वहीं पे उम्मीद हार गई और मैंने नहीं बनाया उसके बाद। अभी फिर वो अभी नहीं है घर पे, वो अपने पापा और मम्मी के साथ नीचे मार्केट गई है। क्योंकि उनकी मम्मी को कश्मीर जाना है कुछ दिनों में, उनका आई चेकअप है। तो वो लोग शायद नीचे मार्केट कुछ लेने गए हैं। अभी मैं पहुंचने वाली हूँ नीचे रोड पे। ऑब्वियसली पहुंच ही गई गांधी पार्क के पास। धीरा गांधी पार्क। ये मैं बल्टी बाजार साइड पहुंची हूँ। मेन मार्केट में मैंने वीडियो शूट नहीं किया, पता नहीं क्यों। क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग से मिलते 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 पहुंचते हम लोग, तो वीडियो शूट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं अच्छा लगता वीडियो में आना। चाय आप मेरे चेहरे को देख के यहाँ की ठंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत 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 ज़्यादा, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा ठंड है। आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है यार। मीन्स कल तो मैं घर से बाहर नहीं निकली, परसों की बात है। परसों इतना ठंड नहीं था जितना आज ठंड है। हाँ देखिए, परसों मौसम भी ख़राब था लेकिन ठंड इतना नहीं था। आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है। नाक, गाल, रोड पे देखिए कैसे बर्फ जमी है। बहुत ज्यादा ठंड है। अच्छे और प्यारे लग रहे हैं ये पहाड़। मुझे दुख हो रहा है कि मुझे वहां से ऊपर चढ़ना, ऊपर बहुत ही ज्यादा चढ़ाई है, वहां चढ़ना है। चलिए चलो, और वहां से चढ़ना है यार, बहुत बड़ी चढ़ाई है राघव के घर के लिए। दैट्स व्हाई वो बहुत पतली है, यहाँ से चढ़ती रहती है ना बहुत ज्यादा। ये पहाड़ कितने अडोरेबल प्यारे क्यूट से दिखे। मैं खुद को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं लद्दाख से हूँ, कारगिल से हूँ। मेरा होम टाउन लद्दाख है, कारगिल है। बस यहाँ की हर चीज़ अच्छी लगती है। यहाँ की एयर विदाउट पोल्यूशन है, पानी विदाउट पोल्यूशन है। और जहाँ पे भी जाओ बहुत ही अच्छी जगह है,
बहुत ही प्यारी जगह है जहाँ पे आपको सुकून ढूंढना नहीं मिल सॉरी जहाँ पे आपको सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, सुकून मिल जाता है ऑटोमेटिकली। नेचर गिव यू दैट हियर लद्दाख, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन अरे ठंड ना, अच्छी बात है बट मेरे पल्ले नहीं पड़ती, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मैं बिग बॉस नहीं दिखाया, टाइम नहीं मिला, फिर आप यहाँ जाके देखूँगी। वो ऊपर अभी उसका घर, जैसा आप देख सकते हैं मेरी सांस कैसे फूल रही है। वेरी टायर्ड, वेरी 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 टायर्ड। पल्ले में मस्जिद मातम सारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। As you can see, how beautiful it is. Calligraphies कितने, कैलीग्राफीज कितने अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, किए गए हैं। कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। फाइनली राइव क्या पहुँच रही हूँ मैं। इतना प्यारा एरिया है लेकिन पहुँचने वाले हैं। एंड आई हैव टू नॉक द डोर, क्या नॉक करूँ, खुला ही रखा है इसने। मैं लॉक लड़की बिग बॉस दिख रही है यहाँ पे बैठ के, बदतमीज लड़की। क्या कहना चाहती है अपनी बदतमीजी पे, जानबूझ के क्यूट बन रही है गाइस। बस देखना गरम गरम चाय पिलाओ पहले। लखियां चक चले लादिर तो साला तेरे तो इसे बुटन तेरे को दे दे अच्छा इसके लिए हम बुड मेट दिन। ये है बल्टी बाजार, फॉर आफ्टर नंगा गया तो फिर आते हैं। कितना खूबसूरत दिख रहा है यार, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है योगी बाजार। और ये जो दिख रहा है बिल्डिंग, ये हमारा स्कूल है। नीचे वाला फ्लोर ऊपर के नहीं है, मींस आगे बहुत बड़ा है। जेके नॉर्दन मैंने पहले दिखाया था आप लोगों को, ये पॉइंट कर जम्बा। और देखो आसमान कितना खूबसूरत है ना, नाम बोलता साला कितना प्यारा दिख रहा है। यार समर्स में इस दरिया में सुरू रिवर में इतना पानी होता है, वो जो ये फर्स्ट फ्लोर का आप लोगों को खिड़की दिख रहा है ना, वहां तक पानी चला जाता है, इतना पानी होता है यहाँ पे। राबिया, राबिया की मम्मी की दुकान पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं राबिया, राबिया कहाँ जा रहे हैं, राबिया कहाँ जा रहे हैं, राबिया कहाँ जा रहे हैं। ए हम लोग अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी मम्मी। हम हाय जाओ, दिल से जाओ, दिल से जरा आओ, उजिया माया यार दौड़ दे रहे थे। मैं और मेरी मम्मी घर जा रहे हैं वापस कुछ सामान लेके। ये देखो नक्तुल, हाँ बराबर आ गया, लो हो बहुत थक गए हम लोग। इस रूम पे पहुंच गई, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड था, नाक वाक सब हालत ख़राब, वैसे भी नाक का तो हालत ख़राब हो रखा था यार, बहुत ज़्यादा ये हो गया था, क्या बोलते उससे आपको सुबह बताया था ना, ड्राइनेस की वजह से हालत ख़राब हो गई थी। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग को कारगिल का ये जो फर्स्ट वीडियो था पसंद आया होगा, और शायद से लास्ट वीडियो होगा क्योंकि मैं 13 और 14 को शायद वापस जा रही हूँ। अभी मैं टिकट कर रही हूँ डायरेक्ट दिल्ली के लिए, मैं और मेरी सिस्टर दोनों जा रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ, खुदा हाफिज़।